हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्जिमा और कई प्रकार के स्किन इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए आप तुलसी के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के बीज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं कई तरीके के संक्रमण से बचाने में। यदि हम बात करें त्वचा संक्रमण की, तो त्वचा संक्रमण में एक्जिमा, दाँत खाज खुजली या कई प्रकार के चर्म रोग होते हैं जो कि त्वचा को प्रभावित करते हैं। ऐसे में आप यदि तुलसी के बीजों का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि इसमें संक्रमण से लगने की काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। और यदि हम बात करें अंदरूनी संक्रमण की, तो उसे भी दूर करने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी के जो पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। इसके बीज, इसकी पत्तियाँ, इसके जो फूल होते हैं, ये सभी कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हर किसी के घर में तुलसी का पौधा आमतौर पर भारत में होता है, तो आप इसके बीजों को निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक औषधि के रूप में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इनको, इसके बीजों को दूध में घोलकर पीते हैं, तो ये आपको कई तरीके के संक्रमण से बचाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। फ्रेंड्स, अंदरूनी संक्रमण को भी दूर करने के साथ साथ बाहर जो स्किन में कई प्रकार के संक्रमण होते हैं उनको भी दूर करने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो सलाद में भी ऊपर से डालकर इसे खा सकते हैं, या फिर फलों के साथ भी आप इनका सेवन कर सकते हैं। ये आपको कई प्रकार के संक्रमण से बचाने में मदद करेगा, और इसके साथ ही कई प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको एक्जिमा या किसी प्रकार का चर्म रोग है, तो उस पर आप इसका प्रयोग कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बताते हैं कि आप इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। नारियल का तेल आपको लेना है। नारियल के तेल में आप इसके बीजों को पीस कर या कुचल कर मिला लीजिए और मिलाकर रख लीजिए, और प्रभावित जगह पर जहाँ पर आपको एक्जिमा या इस तरह की कोई भी बीमारी है, सोराइसिस जैसे त्वचा रोग संक्रमण है, वहाँ पर आप इसको लगा कर रखिए। इसको लगाने से वो जो संक्रमण है वो दूर हो जाएगा, और एक्जिमा जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक कप नारियल तेल में थोड़े से बीजों को, तुलसी के जो बीज होते हैं उनको किसी कुचल कर मिला लीजिए, और इसके बाद आप इसका उपयोग कुछ दिनों तक कर सकते हैं। आप इसे लगा कर रखिए, कुछ मिनट तक लगा कर रखिए। आप चाहें तो जिस समय इसे आप लगा रहे हैं हल्का से इसे गुनगुना गर्म कर सकते हैं। गुनगुना गर्म करके अगर आप लगाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। नियमित रूप से इसको लगाने से आपकी जो एक्जिमा की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। एक्जिमा के साथ साथ दांत खाज खुजली या किसी प्रकार का चर्म रोग है तो उस पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इससे उसका निशान भी नहीं रहेगा और वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाएगा। ये नई कोशिकाओं को बनाने में भी काफ़ी मददगार होता है। इसमें आयरन और विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसके साथ प्रोटीन की मात्रा भी होती है। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।